हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कुछ चीज़ें ज़ाहरी तौर पे कितनी अपनी अपनी और पास लगती हैं, पर हकीकत में अपनी पहुंच में नहीं होती। बस एक धोखा सा होता है प्यास बुझाने का वहम। हकीकत तो यह है कि दिल कभी कभी जिन्हें अपना मान भी लेता है वह अपने नहीं होते। मगर कैसे रात की रानी की खुशबू में लिपटा आंगन भुला देता। एक कोमल सा वजूद चेहरे पर थके थके असरात सजाए, काम में बिजी नजर आता तो बेकल हो जाता। सारी रात करवटों में गुजर जाती, मोहब्बत के ताकतवर जज्बा होने का ख्याल कम हो गया था। लालटेन की मध्यम रोशनी में रुखसारों पर साया किए वो नाजुक पलकें कांपती नजर आती तो जहन बहक बहक जाता। अब तक वह नर्म चांदनी किसी और आसमान पर चमकने के लिए अपने खेमे उखाड़ चुकी थी। यह खुशबू भरी बातें कितनी वक्ती कितनी खोखली उस पल लगी कि वह चकरा रहा था। छत पर नज़र जमाए किसी आस को ख्वाब समझकर भुलाने की नाकाम कोशिश में था। किसी की लंबी जुल्फों का साया एकदम जहन में लहराता, जिंदगी की इन्हीं खुशबुओं में बसा हुआ पाता। किसी चार दीवारी की सादगी कोई पुरखुलूस वजूद लिपा पुता चबूतरा उड़ता आंचल इधर उधर बिखरते कागज़ के पन्ने और उन पन्नों पे लिखी खूबसूरत शेरो शायरी और वो नाजुक सी लड़की जो परेशान होकर भागती और उन पन्नों को समेटती। उसे भुलाना कितना मुश्किल था क्योंकि वो तो दिल में बस चुकी थी, किसी ऐसे रहने वाले की तरह जो परमानेंट घर में अपना घर बसा चुका हो और उसने साफ साफ दिल से जाने के लिए इनकार कर दिया हो। आखिर उसे भुलाता भी तो कैसे भुलाता।